हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल क्विक टिप्स बाय मानसी की तरफ से सभी यूट्यूबर्स को, सभी फेसबुक फ्रेंड्स को हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। दिवाली बहुत शुभ हो। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में अपना जो है पूरा घर का जो मैंने जो जो डेकोरेट किया है वो सब इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और मैंने क्या क्या यूज किया है वो सारा दिखाऊंगी। तो एक तरीके से मैं आपको जो है अपना होम टूर कराने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से, दिवाली से, मीन्स ये जो रंगोली मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि मैंने आज रंगोली में क्या यूज किया है इसमें। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो एक थाल लिया है, थाल में मैंने पानी डाला है और इसमें जो है फ्लावर्स लगाए हैं। इसमें जो है मैरीगोल्ड फ्लावर्स हैं और जो है रोज पीटल्स हैं, मीन्स रोज जो फ्लावर्स है उसकी पत्तियां हैं। और मैंने यहाँ पे जो है लीव्स लगाई हैं और ये अशोक के पत्ते लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें थाल में पानी इसीलिए डाला हुआ है कि क्या होगा, सपोज फूल जो है हमारे मुरझाने लगते हैं, लेकिन जब हमने थाल में पानी डाला उसके बाद फ्लावर्स लगाए तो ये फूल और पत्तियां जो है एकदम फ्रेश रहेंगी। तो ये थोड़ा सा नया मुझे आइडिया लगा इस बार, और मैंने जो है अपनी सारी रंगोलीज में आज कहना चाहिए फूल और पत्तियों का ही यूज किया है, और कलर बहुत, मतलब कहना चाहिए बहुत मिनिमम यूज किया है। जहां मुझे लग रहा है कि यूज करना चाहिए सिर्फ वही यूज किया है, बाकी जगह मैंने कोई कलर यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रंगोली ये कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी ये वाली रंगोली आपको। मेरी रंगोली अच्छी है ना? बता, इसमें कहना चाहिए इस वाली रंगोली में बहुत कम टाइम लगा है। अगर हम जो है कहना चाहिए रंगोली वाले कलर यूज करते हैं तो उसमें क्या बहुत टाइम लगता है लगाने में, और जो है वो फैल भी जाता है जल्दी से। लेकिन ये जो फ्लावर्स और लीव्स का आइडिया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार जो मैंने यूज किया है। एक तो थोड़ा डिफरेंट लुक आ रहा है इससे, और ये है कि ये फैलेगा तो कलर सारे घर में नहीं होगा, तो बहुत मिनिमम कलर मैंने यूज़ किया है एंड लीव्स एंड फ्लावर्स से ही इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, अच्छी है ना मेरी रंगोली? तो ये मैंने जो है डाइनिंग टेबल पर भी थोड़ा सा कुछ जो है डेकोरेट किया है। एक पॉट रखा है और इसमें जो है फ्लावर्स डाले हैं, और थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैंने जो है लीफ का यूज किया है। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर जो है थोड़ा ही सजाया है, सिंपल एंड सोबर। थोड़ा सा ही डेकोरेट किया है, थोड़ा फ्लावर और थोड़ा लीफ के साथ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने जो है अपना मंदिर भी डेकोरेट कर लिया है, और इसमें आज मैंने जो है कान्हा जी को भी अपने झूले में बिठाया हुआ है, थोड़ा अच्छे से उनको सजाया है। दिवाली है तो सजाना तो बनता है। और आप मेरा मंदिर भी देख सकते हैं जो मैंने खुद से थोड़ा कुछ डेकोरेट किया है। और ये मेरी जो है शू रैक है, तो यहाँ पे मैंने सच कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस एक छोटा सा यहाँ पर जो है मैंने दीपक जलाया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी बालकनी में। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको लेके चलती हूँ मैं अपनी बालकनी में। फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें जो है घर को डेकोरेट करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। जितना जितना डेकोरेट करो उतना ही कम लगता है। आप जितना चाहे उतना सजाइए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है। तो आप फ्रेंड्स, मेरी बालकनी भी देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कुछ
कुछ थोड़ा सा लगाया है ऐसे ही पेंट फ्रेम्स और कैंडल और जो है थोड़ा सा ऐसे फ्लावर्स और बाकी जो है मैंने अपनी ग्रिल पे जो है इलेक्ट्रिकल दिए लगाए हुए हैं क्योंकि हवा इतनी तेज चलती है तो चल नहीं पाती, इसलिए इस बार मैंने जो है इलेक्ट्रिकल लिए है और थोड़ा ही देखिए इतनी हवा ऐसी होती है कि देखिए दीपक बुझ भी गई थी इधर, तो ये दीपक जलाना इस समय तो बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सबसे अच्छे रहते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो है पूजा की तैयारी हो गई है और मैंने जो है जो भी पूजा में तैयारी का जो भी सामान होता है वो मैंने सब रख लिया है। और फ्रेंड्स हम लोगों में जो है ये जो कैलेंडर है लक्ष्मी जी का हमारे यहाँ मेन पूजा में यही रखा जाता है और इस पे जो है, और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ ये ना बहुत मुश्किल से मिलता है, ये मतलब बहुत ढूंढना पड़ा था तब जाके ये कैलेंडर मिला है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पूजा में यही रखा जाता है और इसके ऊपर फिर जो है पान चिपकाया जाता है। मेन हमारे यहाँ जो पूजा का है वो मेन यही है, इसी चीज़ की हमारे यहाँ जो है पूजा की जाती है। बाकी मैंने जो है सारी तैयारी इसमें कर ली है, जो भी पूजा का सामान होता है वो मैंने कर लिया है रख लिया है, बाकी जो है थोड़ा थोड़ा जो भी चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, अपना जो है मेन गेट उसको डेकोरेट किया है और ये इधर जो है थोड़ा सा वॉल है, वॉल पे मैंने क्या किया है इस बार जो है मैंने सारा पत्ते और जो है कहना चाहिए पत्तियों से ही इसको सजाया है, फूल और पत्तियों से सिर्फ पूरा जो मैंने वॉल है अपना डेकोरेट किया है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है रंगोली बनाया है और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो है एक थाली ली है और थाली में सिर्फ मैंने जो है फ्लावर्स डाले हैं और ओनली पत्तियाँ और मीन्स इसमें लीफ का ही यूज़ किया है। तो इस बार मैंने अपनी जो है डेकोरेशन है दिवाली की कहना चाहिए ओनली लीफ एंड फ्लावर से की है, कलर एंड रंगोली कलर मैंने बहुत कम यूज़ किया है। फ्रेंड्स मेरा वॉल भी आप देख सकते हैं कुछ मैंने छोटा सा एफर्ट किया है इसमें और ये जो मैंने लगाए हैं यहाँ पर ये अशोक के पत्ते हैं और ये जो है गेंदे का फूल जिसको बोलते हैं मैरी गोल्ड ये वो है और थोड़ा सा लाइटिंग किया है। और फ्रेंड्स इस वाली वॉल पर भी मैंने जो है लीफ से ही डेकोरेशन की है, लीफ से ही छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं और जो है यहाँ पर जो रंगोली बनाई है ये भी मैंने इसमें जो है लीफ का ही यूज़ किया है। तो इस बार मेरी दिवाली में मेनली जो है लीफ एंड फ्लावर्स का ही यूज़ हुआ है फुल।